इंडिया नंबर वन पे आ गया वनडे रैंकिंग्स में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट सेम थे, पाकिस्तान के भी 115 थे, इंडिया के भी इतने थे। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंडिया वाइट टीम बन चुकी है जो तीनों। शुभमन गिल वाज द ट्रीट टू वॉच टुनाइट, व्हाट अ बैटर ही इज सवेरा, व्हाट अ बैटर ही इज। क्या बैटिंग किया ऋतुराज गायकवाड और शुभमन गिल ने। शुभमन गिल भाईजान सिर्फ 100 रन चाहिए शुभमन गिल को इस सीरीज में, और बाबर आजम गड्ढे से नंबर वन पोजीशन भी ले लेगा। ऋतुराज गायकवाड पहली 50 10 चौके, व्हाट अ इनिंग यार। जो बंदा एमएस धोनी के हाथों से निकला वो इंटरनेशनल स्टेज पे अगेंस्ट कमिंस और फुल स्ट्रेंथ अवेलेबल ऑस्ट्रेलिया के आगे, जेम्पा के एक्सपीरियंस के आगे कमाल की इनिंग खेली। उस शामी ने फाइवर लिया है और सारी टॉप की विकेटें हैं भाई उसकी। उसके बाद शुभमन गिल क्या बारी खेली है, 117 के स्ट्राइक रेट है, अमेजिंग न्यू नंबर वन अनाउंस कर दिया है। और नॉट जय हिंद दोस्तों, टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में T20 टेस्ट और वनडे में नंबर वन होने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गया साउथ अफ्रीका के बाद में। जैसे ही टीम इंडिया ने कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, वैसे ही उसने पाकिस्तान को पछाड़ के वनडे में फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। ये देख के पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें मातम सा छा गया, लेकिन कुछ पाकिस्तान के एनालिसिस थे जो क्रिकेट को अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं, वो भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। वो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ और गेंदबाजी में शमी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, और वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं, वो क्या और कमेंट करते हैं भारत के बारे में और कैसे पाकिस्तान खुद अपनी टीम को वो खरा खोला सुनाते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप और क्या चाहते हैं, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना सो दैट आप हमसे जुड़े रहें। इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया ने पहले एशिया कप जीता और आज इंडिया बी टीम ने विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट मोहम्मद सिराज, विदाउट कुलदीप यादव, विदाउट हार्दिक पांड्या, इंडिया की बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया इंडिया ने, इंडिया की बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया। इधर बाबर आजम का घंटा बज रहा है, उधर ऑस्ट्रेलिया का घंटा बज रहा है, इंडिया सबका घंटा बजा रही है, मिलके सबका घंटा बजा रही है। आज ना कोहली था, ना रोहित था, ना हार्दिक था, ना कुलदीप था, ना सिराज था, लेकिन घंटा इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, घंटा इज परमानेंट। और क्या बैटिंग किया ऋतुराज गायकवाड और शुभमन गिल ने। शुभमन गिल भाईजान सिर्फ 100 रन चाहिए शुभमन गिल को इस सीरीज में, और वो बाबर आजम घंटा से नंबर वन पोजीशन भी ले लेगा। इंडिया नंबर वन पे आ गई है वनडे रैंकिंग्स में, क्योंकि इंडिया को ये जीत चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट सेम थे, पाकिस्तान के भी 115 थे, इंडिया के भी इतने थे। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंडिया वाइट टीम बन चुकी है जो तीनों फॉर्मेट में नंबर वन के ऊपर है। पाकिस्तान का घंटा भी बजा दिया इंडिया ने आज। ओ मेरे घंटे, ओ मेरे घंटे, तेरा घंटा शुभमन गिल ने बजा दिया, तेरा घंटा इंडियन टीम ने बजा दिया। मेरे घंटे के किंग, 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 ओ ओ मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे, तेरे से नंबर वन पोजीशन शुभमन गिल ने ले लिया है। तेरे ही नंबर वन जो तू बनाया था कि जी हम पाकिस्तान नंबर वन चले गए वनडे में, वो भी ले लिया भाईजान इंडियन टीम ने। अब आप आराम से नीचे बैठ जाओ, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा, ये वही ऑस्ट्रेलिया ना जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर ठोक के गई थी। शुभमन गिल वाज द ट्रीट टू वॉच टुनाइट, व्हाट अ बैटर ही इज सवेरा, व्हाट अ बैटर ही इज। और साथ ऋतु के साथ मिलके ना ऋतुराज और शुभमन गिल ने ना क्लासी बैटिंग की है सवेरा। पंचेस की रेंज थी, जो फेसेट थे ना मल्टीपल फेसेट थे उनकी बैटिंग के अंदर, पुल शॉट्स भी थे, ड्राइव्स भी थी, बैकफुट पंचेस भी थे, स्ट्रेट ड्राइव्स भी थी, ऑन ड्राइव्स भी थी, ऑफ ड्राइव्स भी थी, कवर ड्राइव्स भी थी, कट शॉट्स भी थे। मतलब यार इट वाज अ कंप्लीट पैकेज। मतलब सवेरा आप सोचे, आपने नाम ले लिया लॉन्ग ड्राइव, आप समझे क्या, रोहित शर्मा को आप वापस लाए, आप पांड्या को इस मिक्स में वापस लाए, विराट कोहली को इस मिक्स में वापस लेकर आए, सिराज शमी बुमराह एक साथ खेले, कुलदीप को लेकर आए, साथ में जडेजा हो और अगर अश्विन का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो कामयाब हो जाते हैं, दिस टीम वुड बी अ टीम टू बीट इन दिस वर्ल्ड कप। सवेरा आज आपने इनके घर में देख लिया, घर में ये चढ़ के खेले। वार्नर का कैच ड्रॉप ना होता, लबुशेन का कैच रनआउट ना छूटता जो सिली मिस्टेक टीम इंडिया ने की है, ऑस्ट्रेलिया 230 भी ना बना पाता इस सरफेस के ऊपर, जो कि पहली इनिंग के अंदर तो बहुत ही कोई बैटिंग फ्रेंडली था। मतलब कमाल किया दोनों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये सरफेस स्लो था क्या, क्योंकि ड्यू का फैक्टर नहीं था, तो यहाँ सेकंड इनिंग्स वाले को कोई मदद हासिल नहीं थी। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर नहीं हो सकता। सब कह रहे थे हार जाएगा, हार जाएगा, हार जाएगा, मुसीबत पड़ जाएगी, मुसीबत पड़ जाएगी। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है यार, हम अपनी मेन टीम को खिलाते ही नहीं, हम
जरा कोई फॉर्मूला लगाते हैं, हम एक नए कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। पांच बॉलरों के साथ आज इंडिया ने मुकाबला किया, पांच बॉलर जिसमें शार्दुल ठाकुर बहुत एक्सपेंसिव किया। शार्दुल ठाकुर का लोड यहाँ बर्दाश्त करने को, यानी उसके लोड को कट डाउन करने के लिए कुछ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन नहीं था। वेरियस अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया बड़ी फॉर्मेडेबल टीम थी, ठीक है उनके पास मिस्टर स्टार्क नहीं था, मार्क मैक्सवेल नहीं था, लेकिन ऊपर से लेके आप सातवें आठवें नंबर तक बैटिंग देखे, चार चार ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तीन तीन मेन बॉलर्स खेल रहे हैं, मतलब एड कमिन खेल रहे हैं, और क्या आपको चाहिए। शॉन एबिट भी कोई 130 की डिलीवरी से तो बॉलिंग करते नहीं, वो भी 140 145 केस के अंदर करते, मतलब इट वॉज अ कंप्लीट विन माइनस द फील्डिंग।